गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस के समीप महंत दिव्यनाथ पार्क में किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव नगर विकास एवं नोडल अधिकारी दीपक कुमार, GDA के VC अनुज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, COVID-19 के नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री, DFO अविनाश कुमार सहित GDA नगर निगम के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर नोडल अधिकारी दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण किया तथा शुद्ध पर्यावरण का संदेश दिया। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा, सब ये वाटर बॉडी एक्चुअली सर जितनी जगह उसके बाद वाली तो कॉलोनी तुम्हारी प्राइवेट है, कर लेते हैं, इन लोगों सामने पड़ेगा। ठीक है, आप आ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ भाई। अभी वैसे किसी को पहचान में नहीं आना है, केवल हर्षिता पहचान में आएगी। हटा लीजिए भैया, हटा लीजिए भैया, थोड़ा पानी डाल लीजिए। अरे पानी थोड़ा, इसको ये भी तो कर दो, लाओ लाओ इधर, पेड़ को भी तो लगना चाहिए, लगाया गया नहीं तो नहीं। अभी सर थोड़ा दबाएंगे सर, अभी हाँ, और मिट्टी डालोगे ना अभी सर, सर 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 छोड़ दीजिए, हाथ हटा लीजिए सर। और जनरली फॉरेस्ट कितना है आपके डिस्ट्रिक्ट में? आप सर इसको कर दें सर, किसको कर दें? इसको सर, DM सर, DM सर, पता चला शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। आप सभी अवगत हैं कि पूरे प्रदेश में करीब 25 करोड़ वृक्षारोपण किया जा रहा है, आज जिसमें कि नगर विकास का लक्ष्य जो है वो करीब 25 लाख पौधों का है और आवास का करीब 7 लाख पौधों का है। तो वो हम चूँकि दोनों विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, दोनों विभाग के लोग लगे हुए हैं और इसमें आज के दिन मौसम भी बहुत अच्छा है और वृक्षारोपण के अनुकूल है और ये हम पूरे प्रदेश में ये टारगेट हम लोग, मेरा दोनों विभाग मीट आउट कर रहा है।